वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल आपका स्वागत है मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है श्रृंगार से, मन प्रफुल्लित हो जाता है। एक स्त्री का जीवन हमेशा अपने परिवार, पति, बच्चे के लिए समर्पित रहता है। आज इसी से रिलेटेड मैं एक पर्व के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके लिए बहुत ही उत्साहित रहती है महिलाएं और जीवन की खुशियों को और बढ़ा देती हैं। त्योहार जो पति पत्नी के प्रेम को और निखारता है। आज मैं आपको एक ऐसे खूबसूरत व्रत के बारे में बता रही हूँ, पूजा के बारे में, जो विवाहित महिलाएं करती हैं, जिसका नाम है करवा चौथ, जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। नवविवाहित औरतें, स्त्रियां तो अपने उत्साहित रहती हैं इस व्रत को करने के लिए। उनके मन में बहुत लालसा रहती है अपने पति के प्रति प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है। भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब, महाराष्ट्र ये सब में ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, और दक्षिण भारतीयों में भी, और जहाँ भी भारतीय रहते हैं और हिंदू समाज के लोग रहते हैं वहाँ भी इसकी बहुत ही धूमधाम है। करवा चौथ को करवा करक भी कहते हैं। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, धन की, घर की खुशहाली के लिए इस साल करवा चौथ फ्रेंड 8 अक्टूबर 2017 संडे को है, यानी कि रविवार को 8 अक्टूबर को है। ध्यान दें, 8 अक्टूबर रविवार, संडे 2017 8 अक्टूबर करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:25 से 6:38 तक फास्ट करके किया जाता है। शादीशुदा महिला बिना पानी के निर्जला व्रत करती हैं। मैं इस करवा चौथ व्रत की विधि बता रही हूँ। जब तक व्रत पूरा नहीं होता वो भोजन नहीं करती हैं, अपने पति, पुत्र, धन, खुशहाली के लिए करती हैं। ये करवा चौथ को भगवान शिव और उनके परिवार, माता पार्वती, गणेश और कार्तिक को समर्पित है। माँ पार्वती अखंड सुहागवती का आशीर्वाद देती हैं। माँ गौरा और चौथ माता की पूजा की जाती है, जो स्वयं माँ पार्वती ही हैं। करवा चौथ के दिन, उस दिन उनका चौथ माता या माँ गौरा की पूजा की जाती है। सबसे पहले इसमें संकल्प लिया जाता है। सरगई जो माँ या सास के द्वारा दी जाती है, जिसमें श्रृंगार, कपड़े, मिठाई, पकवान बिना लहसुन प्याज के होती हैं। अपनी माँ से नवविवाहित स्त्रियां, औरतें करवा चौथ का विधि जानती हैं, क्योंकि थोड़े बहुत विधियों में अंतर पाई जाती हैं। चाहे हर एक क्षेत्र में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होता है, लेकिन बेसिक चीजें वही रहती हैं। सूर्य उदय से पहले महिलाएं संकल्प लेती हैं कि पूरी श्रद्धा और प्रेम से इस व्रत को करेंगी। बिना खाए पिए और अपना व्रत पूजन करने कर चंद्र को अर्घ देकर व्रत को तोड़ेंगी। संध्या का समय पूजा के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे अच्छा होता है सूर्य अस्त होने के बाद। इस पर्व को महिलाएं ग्रुप में करती हैं, यानी कि महिलाएं एक जगह रहती हैं जहां वो माँ गौरा और चौथ माता का चित्र बनाती हैं दीवार पे, या चौथ माता का चित्र भी मिलता है, फोटो मिलता है तो उसको भी दीवार पे वो लगा देती हैं।
और पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। फल, मिठाई, कपड़े, फूल, दीपक, सुगंध, धूप, हवन कर पूजा करती हैं। फिर करवा चौथ की कहानी सुनाई जाती है। पंडितों के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ कहानी भी सुनाई जाती है। करवा को करक भी कहते हैं। करक जो लोटा होता है उसमें जल भरती हैं, दूध भरती हैं, संकल्प लेती हैं। मंत्र उच्चारण के साथ ब्राह्मण पंडित लोग आते हैं और पूजा करवाते हैं। उसमें स्टोन या क्वाइन डालती हैं महिलाएं। करवा को ब्राह्मण को या विवाहित स्त्रियों को दान दे दिया जाता है। इस दिन बहुत ही खास तरीके से थाली, लोटा, चन्नी खास तरीके से बहुत ही सजावटी के साथ रखती हैं, क्योंकि चन्नी, लोटा और थाली की बहुत ही जरूरत होती है। इस दिन महिलाएं पूजा पाठ और कहानी ये सब सारा चीज सुन लेती हैं। तो उसके बाद जब चंद्र भगवान उगते हैं तो उनको अर्घ देती हैं, चंद्र की पूजा करती हैं, फिर छन्नी की मदद से चांद को देखती हैं, अपने पति को देखती हैं, उनके पांव भी छूती हैं। और फिर जब पूजन विधि हो जाता है, धूप ये सब हो जाता है, तब जाकर वो पानी या दूध ये सबसे जल से व्रत को तोड़ती हैं। और फिर उसके बाद फलहार करती हैं। कई जगह फलहार भी किया जाता है और कहीं जगह पकवान भी खाए जाते हैं, लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, करवा चौथ का डेट है 8 अक्टूबर 2017 संडे, और टाइमिंग है 5:25 से लेकर 6:38 तक। तो उसके बीच में पूजा हो कर सकते हैं आप। थोड़ी बहुत टाइमिंग में चेंज हो सकता है, मिनटों में वो रहेगा तो अच्छा।